तुझे प्यार करते करते तेरी नींद भी चुरा लूं, आओ जो अपनी जिद पे मैं तुझे क्या से क्या बना दूं, आओ जो अपनी जिद पे मैं तुझे अपना यूं बना लूं। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? पीहू, जैसा तू देख रही है वैसा कुछ नहीं है। आप दोनों ने यहाँ एक जिंदा औरत दीवार पर टांग रखी है। बचाओ मुझे, ये दरिंदे लोग मुझे मार देंगे, बचाओ। और पीहू से माया का दर्द देखा नहीं जाता है, वो भागकर उसके एक हाथ से कील निकाल देती है। पीहू बेटा नहीं, ये क्या किया? भूमि और सुरभि मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि स्त्री भूषण को बिस्तर पर गिरा कर उसके ऊपर बैठी थी। सुरभि फटाफट आकर स्त्री के पीछे से बाल पकड़ती है और जोर से खींचती है। तेरी ये मजाल, चुड़ैल निकल मेरी बहन के शरीर से, निकल। और अचानक भूमि जोर से हंसती है। बकरा बनाया, बड़ा मजा आया। भाभी ये प्रैंक था, मैं और स्त्री मिलकर खेल रहे थे। स्त्री अपने चेहरे से मेकअप हटाकर सुरभि को दिखाती है। अरे मजाक था जीजू, अब साली होकर थोड़ा सा घरवाली का मजाक भी नहीं कर सकती क्या मैं? अरे जीजी तुझे भी मैं तो छेड़ रही थी, वैसे तेरा ये बिस्तर कुछ ज्यादा ही कोमल है, तू कहे तो जीजू के साथ थोड़ी देर और खेल लूं। हट, दोबारा ऐसी बकवास हरकत करी ना तो तुम्हारे ऐसे प्रैंक से ही तुम दोनों का मुंह तोड़ूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। भूमि और सुरभि खी-खी करते हुए बहुत हंसती हैं। भूमि ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खिड़की में कैमरा छिपा दिया था, जिसे लेकर वो बहुत खुश होती है। चल चल स्त्री, तेरे YouTube वीडियो के लिए मस्त कंटेंट मिल गया है। और दोनों सहेलियां बाहर चली जाती हैं। सुरभि और भूषण का दिल अभी भी बैठा ही हुआ था, वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। आज की रात कुछ ज्यादा लंबी ही गुजर रही है बेबी। हाँ, ऊपर से तुम्हारी बहन, ये पागल वागल है क्या? इसकी इस हरकत और वो मेकअप देखकर तो लगा जैसे डैड की कहानियों वाली वो सुहागन चुड़ैल सच में कोई है। सुरभि भूषण की गोद में बैठकर उसका सिर अपने सीने पर रखकर उसे हिम्मत देते हुए मुस्कुराती है। उधर जैसे ही माया के हाथ से कील निकलती है, वो अपने हाथ से शक्तियाँ जया और चरण पर फेंकने लगती है और सब पर हमला करती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माया किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी कि तभी जया फटाफट जाकर फिर से उसके हाथ में कील घुसाकर आ जाती है और माया काबू में आ जाती है। ध्यान रहे, ये लोहे की कील ही इसकी काली शक्तियों को काबू में रखे हुए है, वरना इस लड़की के पास इतनी काली शक्तियां हैं कि इसके एक हमले पर तुम, मैं और चरण जैसे लोग आसानी से खत्म हो सकते हैं। तो क्या यही है वो सुहागन चुड़ैल? नहीं, ये उसका वो मोहरा है जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ये माया है तुम्हारे ससुर जी की पुरानी मंगेतर, जब मैं इनकी जिंदगी में आई भी नहीं थी। अगर मैं ऐसे ही मुरझाती गई और एक दिन बूढ़ी हो गई तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मुझे मेरा रूप बहुत प्यारा है। मैंने सुना है इस दुनिया में तो बुढ़ापा रोकने का कोई तरीका नहीं है, मगर दूसरी दुनिया में शायद इसका कोई तरीका मिल जाए। और माया काला जादू शुरू करने लगती है और तब वो बुलाती है सुहागन चुड़ैल को। तू मुझसे यौवन चाहती है और मेरे यौवन को काम वासना चाहिए, अगर तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो तो मैं तुम्हारी कर दूंगी। और माया चुड़ैल के साथ सौदा कर लेती है। वो बहुत खुश थी, वो आईने में खड़ी होकर अपना रूप निहार रही थी कि तभी अचानक उसकी त्वचा उसी चुड़ैल जैसी होने लग जाती है। ये क्या? ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा हाथ, मेरा चेहरा, मेरा रूप, ये सब क्या हो रहा है? माया खुद को आईने में देख तक नहीं पा रही थी कि तभी आईने में वही सुहागन चुड़ैल आती है और आईने से हाथ बाहर निकालकर माया की गर्दन जकड़ लेती है। तेरा यौवन मेरे पास तब तक गिरवी रहेगा जब तक कि तू मेरी हवस के लिए कोई मर्द नहीं दिला देती। और हाँ, झूठन नहीं चाहिए मुझे, एक ऐसा मर्द जो पहली बार सिर्फ मेरे साथ ही सोए। आओ जो अपनी जिद पे
तुझे क्या से क्या बना दूं। और माया की गर्दन तो चुड़ैल छोड़ देती है, मगर उसका सारा यौवन वो निचोड़ लेती है। माया के लिए यही तो सबसे कीमती था। लड़का झूठा नहीं होना चाहिए, अब कहाँ ढूंढूं मैं ऐसा लड़का। माया ये क्या हो गया, ऐसा तो बस एक ही लड़का है, मेरा मंगेतर चरण। और माया चरण को अपने साथ होटल में ले जाने का पूरा प्लान बनाती है, जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा था। मेकअप से ये ठीक करके बस चरण को आज उस चुड़ैल के साथ सुला दूं तो सब ठीक हो जाएगा। कहाँ फंस गई माया तू भी। माया चरण के साथ होटल जा रही थी, तभी चरण को उसके हाथ अजीब से नजर आते हैं। माया ये तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है, ये ऐसे झुर्रीदार क्यों लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही। ठीक तो है, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। चलो अंदर चलो, तुम्हारे लिए बिग 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 सरप्राइज है जान। और आगे की कहानी आप जानते ही हैं। मगर सौदे के मुताबिक चरण चुड़ैल के हाथ नहीं आया और वहाँ से भाग निकला। मगर माया इस बात से अनजान थी। वो खुशी खुशी अपने घर लौटती है और आईने के सामने खड़ी होकर फिर से यौवन के वापस आने का इंतजार करती है। मगर माया फिर से जवान नहीं होती है। ये क्या है, मेरा यौवन तो लौटाओ मुझे। जैसा तुमने कहा था ठीक मैंने वैसा ही किया, मगर अभी भी तुम मुझे ठीक क्यों नहीं कर रही हो। अचानक से आईने से चुड़ैल का हाथ बाहर आता है। माया की गर्दन दबोचते हुए वो पूरी खुद आईने से बाहर आकर उसे हवा में उठाती है। मेरे साथ धोखा करेगी, मेरे साथ? आज मैं बिना कुछ चखे ही भूखी रह गई। जानती है मेरी भूख का अंजाम क्या रहेगा? जानती है आज से तू पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, यूं बेजान सी चमड़ी के साथ। चुड़ैल माया को फेंक कर आईने में जाने लगती है, तभी माया उसके पांव पकड़ लेती है। नहीं ऐसा मत करो, सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो भाग जाएगा। मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, पर मुझे मेरा यौवन लौटा दो प्लीज। तुझे मार भी सकती हूँ, पर तू जिंदा रहे रोज आईना देखने के लिए, ताकि तुझे एहसास रहे कि सुहागन चुड़ैल के साथ सौदा पूरा न करने पर क्या सजा मिलती है। और माया वैसी ही रह जाती है। उधर समय के साथ चरण इतना डरा डरा रहने लगा कि उसे हर जगह बस उसी दुल्हन के जोड़े वाली चुड़ैल का चेहरा नजर आने लगता है, यहाँ तक कि जया के साथ भी। मगर जया चरण का साथ नहीं छोड़ती है। जब शैतान तुम पर हावी होने लगे तो भगवान हमेशा साथ देंगे। जया की पूजा पाठ ने चरण को तो सुरक्षित बचा लिया, मगर उधर माया के काले इरादों ने शैतान का साथ देते हुए उसकी ऐसी हालत कर दी। मगर माया को तो अपना यौवन किसी भी हाल में चाहिए था। और एक दिन माया चरण के घर में घुस जाती है और चरण के गले में शैतानी ताबीज बांध देती है। जया पास ही सो रही थी। माया बड़ी चालाकी से अपनी चाल चलती है और जैसे ही वो वशीकरण वाला ताबीज उसके गले में बांधती है, चरण अपने आप ही उठकर दरवाजे की ओर चलने लगता है। बस कुछ कदम और फिर जैसे ही इस घर की दहलीज से बाहर तुम निकलोगे, अपने आप सुहागन चुड़ैल की गोद में जा बैठोगे और फिर पाना उसका प्यासा प्यार। चरण बदहवास आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक जया चरण के आगे आकर खड़ी होती है और उसके गले से वो वशीकरण वाला ताबीज निकाल कर आग में फेंकती है। जैसे ही ताबीज जलता है, चरण होश में आता है, मगर माया के शरीर में जलन होने लगती है। नहीं ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया, मेरा आखिरी मौका। तुम अपनी मनमर्जी आज तक तो करती रही, लेकिन चरण अब मेरा पति है और मेरे पति को तुम जैसी नालायक इंसान तो क्या, वो शैतान की खाला चुड़ैल तक छू नहीं सकती। ए सुहागन चुड़ैल, अगर तू सुन रही है तो मेरी बात सुन, सुन रही है ना। उधर चरण का इंतजार करती सुहागन चुड़ैल को जया की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो बौखला उठती है। मांग में सिंदूर डालने से ही सुहागन नहीं हो जाते हैं, सुहागन होने के लिए पति का प्यार चाहिए। तुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा, तू बस हवस की तलाश में ही भटकती रहेगी, एकदम भूखी प्यासी। आइंदा मेरे चरण से दूर रहना। लौटूंगी मैं। तू तेरी तो मैं। और माया जया पर जैसे ही हमला करती है, जया उसे बेहोश कर इस गुप्त कमरे में लाकर कैद कर देती है। और पिछले 28 बरसों से माया यहीं कैद रह रही है। अब ना उसके पास कहने को जवानी थी और ना जीने को बुढ़ापा। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, इस कहानी को अगर मैंने शुरू किया है तो मैं तुम्हारी इसे खत्म करने में मदद करना चाहती हूँ।
जया चरण एक दूसरे की ओर देखते हैं। मगर मेरी एक शर्त है, इस कहानी के खत्म होते ही तुम दोनों मुझे भी खत्म कर दोगे। अब ये सब और नहीं सहा जा रहा, मुझे आजाद कर दो प्लीज। शैतान की पूजा करने की बजाय काश मैं ईश्वर की आराधना कर लेती। मुझे मार दो। पीहू का मन फिर से पिघल जाता है और वो माया की कीला निकाल कर उसे नीचे उतारती है। काला जादू सीखते सीखते मैं कब खुद शैतान का मोहरा बन गई, ये मैं खुद नहीं जान सकी। मगर इस शैतान से छुटकारे का तरीका मैं जानती हूँ, बस मैं ही जानती हूँ। तुम अपने बेटे को अभी भी बचा सकते हो। मगर कैसे? माया कुछ बोल पाती तो उससे पहले ही कमरे की अलमारी वाले रास्ते से एक चाकू उड़ता हुआ आता है और माया की गर्दन में आ धंसता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। नहीं, अब क्या होगा? आखिर अब कैसे होगा इस सुहागन चुड़ैल का अंत? जानने के लिए हम लाएंगे इसका एकदम नया सीजन, अलग ढंग में, केवल हॉरर सिटी पर। तब तक के लिए इस कहानी को और प्यार देते रहिए। कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड